हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नोविंग आवर नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कॉलम 1 और कॉलम 2 है। यहाँ पे हमें कॉलम मैच करने हैं प्रॉपर्टी के साथ। -3 + 5 इज इक्वल टू 5 + -3, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। आप इसके सामने या तो फर्स्ट लिख लीजिए, इस तरह से लाइन डालकर आप नाम मैच करें, आप फर्स्ट लिख दीजिए। बी में अपना प्रॉपर्टी है 7 + 5 + -3 इज इक्वल टू 7 + 5 + -3। अब यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस है वो चेंज हो रहा है, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यहाँ पे आप 5 नंबर डाल लीजिए। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5, ए इंटू बी, बी इंटू ए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे आप लिखिए 6। डी है 3 (5 - 3) इज इक्वल टू 3 (5 - 3). यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें फॉलो हो रही है, हम फॉलो कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑप्शन है हमारा 4। नेक्स्ट है 5 × 0 इज इक्वल टू 0, इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। थर्ड, और 7 × 1 इज इक्वल टू 1 × 7 इज इक्वल टू 7, यानी किसी भी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलेगा, इसे बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, इट मीन्स फर्स्ट। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7 मैच द फॉलोइंग अपने CW में सॉल्व करना है। आप लाइन मत डालिएगा, आप राइट ऑप्शन के सामने राइट आंसर लिखिए और अपना आंसर कंप्लीट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।